हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। माइक्रो टेक डेवलपर्स लिमिटेड की बात करते हैं, लोधा की बात करते हैं। रियल एस्टेट की कंपनी है, स्टॉक प्राइस है 625 में। कुछ मित्रगण, सब्सक्राइबर, दोस्त, फ्रेंड्स इस कंपनी के बारे में जानना चाह रहे थे, जानकारी लेना चाह रहे थे, तो माइक्रो टेक डेवलपर लिमिटेड के बारे में डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं, एनालिसिस करते हैं। इसके फाइनेंशियल नंबर के अनुसार बात करेंगे, आगे शेयर प्राइस कैसा रह सकता है और शेयर प्राइस के अनुसार देखेंगे पिछले एक साल का ट्रेंड कैसा रहा है। 2021 में ये लिस्टेड हुई थी दोस्तों, 2021 में लिस्टेड हुई थी। अप्रैल 2021 में इसका जो प्राइस था 265 का था और इसका जो हाई बना है 700 का बना है। स्टॉक प्राइस 625 में है। 135% का रिटर्न दिया है निवेशकों को जिनके पास माइक्रो टेक डेवलपर लिमिटेड है। तो आगे की बात करते हैं, फाइनेंशियल नंबर की बात करेंगे और शेयर प्राइस के अनुसार देखेंगे किस तरह का ट्रेंड रहा है। तो इस तरह के अपडेट के लिए, स्टॉक मार्केट के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपके मतलब का है तो लाइक का बटन दबाएं। जैसे कि माइक्रो टेक डेवलपर लिमिटेड की बात कर रहे हैं, सबसे पहले इसके फाइनेंशियल नंबर को देख लेते हैं कि लास्ट क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू था 3255 करोड़ का, 3255 करोड़ का रेवेन्यू था। एक साल पहले 3444 करोड़ का था, 3445 करोड़ का था एक साल पहले। अब की बार था 3255 करोड़ का, तो रेवेन्यू थोड़ा बहुत कम था, आसपास ही था। पिछले एक साल के अनुसार अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं, हर तिमाही जून 2022 में जो रेवेन्यू था 2676 करोड़ का था, फिर कम हो गया 1765 करोड़ का था, 1774 करोड़ का दिसंबर के क्वार्टर में था रेवेन्यू। और मार्च के क्वार्टर में Q4 FY23 के क्वार्टर में 3255 करोड़ का रेवेन्यू था। तो ये रेवेन्यू की बात है। अब प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, तो कंपनी का जो प्रॉफिट था लास्ट क्वार्टर में 744 करोड़ का प्रॉफिट था, ये बड़ा था। पिछले साल 535 करोड़ का था और 271 करोड़ का मार्च 2022 में था, और सितंबर के क्वार्टर में लॉस था 933 करोड़ का, 405 करोड़ का दिसंबर क्वार्टर में प्रॉफिट था। तो तिमाही दर तिमाही के हिसाब से प्रॉफिट बढ़ा था, 744 करोड़ का प्रॉफिट रहा था माइक्रो टेक डेवलपर्स लिमिटेड का। अब आगे की तरफ चलते हैं, फंडामेंटल्स की बात करते हैं दोस्तों। मार्केट कैप, जो मार्केट कैप है 62,447 करोड़ का, 62,447 करोड़ का। फेस वैल्यू 10 रुपीज का है। बुक वैल्यू पर शेयर है 131 का। स्टॉक प्राइस जो कारोबार कर रहा है 624 में कारोबार कर रहे हैं। अर्निंग पर शेयर है 4.96 का, डिविडेंड यील्ड है नहीं, कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया निवेशकों को। और इसका जो डेट टू इक्विटी है 0.72 का, डेट टू इक्विटी 0.72 का है कंपनी का। और इसका जो बुक वैल्यू है 131 का, तो अपने बुक वैल्यू से 5-6 गुना ऊपर की तरफ से कारोबार कर रहा है स्टॉक प्राइस। अब बात करते हैं प्राइस परफॉर्मेंस की। जैसे कि 2021 में ये लिस्टेड हुई है, तब से 135% का रिटर्न दिया है निवेशकों को 16 जून 2023 तक। तो पिछले दो साल में 135% का रिटर्न दिया है और काफी एक तरह से उतार चढ़ाव भी रहा है स्टॉक में। अभी शेयर प्राइस के अनुसार बात करेंगे, तो फंडामेंटल्स की बात करते हैं, तो अपने बुक वैल्यू से 5-6 गुना ऊपर की तरफ स्टॉक कारोबार कर रहा है। रियल एस्टेट में तेजी है, रियल एस्टेट की कंपनी है, रियल एस्टेट में अभी तेजी देखने को मिल रही है। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं, डेली कैंडल्स हैं ये माइक्रो टेक डेवलपर्स लिमिटेड के जो चार्ट है, डेली कैंडल्स हैं और स्टॉक में तेजी बनी है। देखिए स्टॉक नीचे की तरफ था ये फरवरी के महीने में 24/2/23 को, और 359-360 में था, एक तेजी बनी स्टॉक में ऊपर की तरफ पहुंचा ये 500 के ऊपर, उसके बाद एक डाउनफॉल आया 390 के आसपास, उसके बाद एक जबरदस्त तेजी है। देखिए स्टॉक ऊपर की तरफ पहुंचा
और ये देखिए इसमें जो तेजी है 27/3/2023 को मार्च के महीने में जो गिरावट थी मार्केट में, ये भी स्टॉक नीचे की तरफ था और ऊपर की तरफ पहुंच गया। ये इसका जो हाई बना है हाल फिलहाल का 708 का बना है, 708 का, और स्टॉक प्राइस है 623 रुपये 70 पैसे में। ऊपर का जो रेजिस्टेंस रहेगा इस कैंडल का 666 के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तो अपने हाई के आसपास तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जिन्होंने लोअर लेवल पर स्टॉक को लिया है तो एक प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस ऐसा होना चाहिए, और जैसे जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो अपने प्रॉफिट वाले स्टॉप लॉस को बढ़ा लेना चाहिए। मार्केट में अगर गिरावट आएगी तो मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है स्टॉक में दोस्तों। और सपोर्ट जो रहेगा इसका, जैसे कि नीचे की तरफ का हम देखें, और सपोर्ट जो रहेगा इसका 600 के नीचे अगर स्टॉक स्लिप होता है तो नीचे की तरफ लगभग 541 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। वॉल्यूम बहुत कम होते हैं दोस्तों, वॉल्यूम बहुत कम होते हैं, अपडाउन काफ़ी होता है इसमें। देखिए यहाँ पे काफ़ी एक तरह से रहा ये स्टॉक, और जो तेज़ी बनी है इसमें 480-500 के आसपास से सीधे स्टॉक ऊपर की तरफ 700 तक पहुँचा है। तो प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस होना चाहिए हमारे अनुसार, और जैसे जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ जाए तो प्रॉफिट वाले स्टॉप लॉस को बढ़ाते रहना चाहिए। इनके पास समय नहीं है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो एक रणनीति बनानी चाहिए किसी भी शेयर में अगर प्रॉफिट हो रहा है। फिलहाल माइक्रोटेक डेवलपर लिमिटेड की बात कर रहे हैं, स्टॉक में तेजी है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं स्टॉक में करना क्या चाहिए। माइक्रोटेक डेवलपर लिमिटेड का जो स्टॉक है थोड़ा बहुत तेजी में टेक्निकली, और अपने बुक वैल्यू से 5 से 6 गुना ऊपर की तरफ कारोबार कर रहे हैं। रियल स्टेट में तेजी है तो जिन्होंने लोअर लेवल पर लिया है तो एक प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस होना चाहिए, या फिर जिनका टारगेट हिट हो गया तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और एकदम से खरीदारी नहीं करनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि इन स्टॉक्स में वॉल्यूम कम होता है। जिनके पास समय है तो होल्ड करना चाहिए, और जब स्टॉक ऊपर की तरफ हो तो अपना डिसीजन अपना फैसला करना चाहिए हमें करना क्या है। नेक्स्ट क्वार्टर के जो नतीजे हैं अगर उसमें इम्प्रूवमेंट होता है रेवेन्यू में प्रॉफिट में, तो स्टॉक फिर हमें अपना हाई ब्रेक करता हुआ दिखाई दे सकता है। फिलहाल 700 के ऊपर का हाई बनाया तो उसको ब्रेक करेगा तो और ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो एक रणनीति एक स्ट्रेटजी जरूर होनी चाहिए माइक्रोटेक डेवलपर्स लिमिटेड में जिनके पास स्टॉक है दोस्तों। तो ये लेटेस्ट अपडेट था। इस तरह के वीडियो देखने के लिए धीरज सिंह टेक स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।